भारत और बांग्लादेश अपने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ने जा रहे हैं। पहला डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट दोनों टीमों के लिए जो ईडन गार्डन्स के ऐतिहासिक मैदान में खेला जाएगा। सभी आंकड़े और जो बिल्डअप कोलकाता में चल रही है, पूरे शहर को उन्होंने पिंक कलर से रचाया है, तो उसी के बारे में बातचीत जरूर होगी ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे पर। सौरव गांगुली के एक तरह से कहने से ही ये पिंक बॉल मैच पॉसिबल हुआ है, और इसी के साथ साथ सौरव गांगुली के शहर ने इस मैच के एंटिसिपेशन में बहुत ही खूबसूरती से गुलाबी रंग में उन्होंने पूरे शहर को सजाया है, और ईडन गार्डन्स का भी उन्होंने काफ़ी जो है चाल चलन बदल दिया है। अच्छे से पेंटिंग्स उन्होंने लगा दिए, ग्रफिटी वॉल्स पे लगा दिए हैं, तो ये सब तो बिल्डअप तो चल ही रहा है भारत और बांग्लादेश के इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच के पहले। लेकिन टीम्स का क्या मूड है और कुछ सवाल ज़रूर उठेंगे इस पिंक बॉल पे। दोनों टीमें प्रैक्टिस भी कर रही है SG पिंक बॉल के साथ, तो चलिए सुनते हैं दोनों टीम से विराट कोहली और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के न्यूजीलैंड स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट डैनियल विटोरी। आई थिंक इन जनरल if you haven't played with the pink ball before, it's going to be challenging throughout the game. That's what I feel. You'll require more concentration, more solid technique, more compact game compared to the red ball. I think in India we have one big factor which is dew, which is going to be something will have to sort of, spoke to the match referee as well yesterday, something we'll have to speak about and discuss as we go along with playing the game. I think that is one difference with playing a day-night test in India compared to any other country. I think the fact that there's going to be so many people here, you have to acknowledge how important that is. And I think the way that people manage their time is trickier. So if you can extend a test match out into the night time, then it brings more and more people into it. And Kohli walking out to bat is going to feel like a T20 or Rohit, and if those guys get going. So I think there's going to be an atmosphere that probably no player has played in test match conditions, and I think that brings another element to it. So there's so much to look forward to in this test match. तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये 12वां डे नाइट टेस्ट होने जा रहा है। इसके पहले 5 हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, 2 हुए UAE में, तो ये केवल 2 ऐसे हुए जो एशिया में हुए, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में आज तक एक पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट नहीं खेला गया है। तो देखेंगे इंडियन कंडीशंस में, सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में, विंटर के मौसम में किस क्या रंग दिखाते हैं ये पिंक बॉल। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज ने एक एक डे नाइट टेस्ट होस्ट किया है अब तक। और अगर हम टॉकिंग पॉइंट्स की बात करें, तो जब ये एंटिसिपेशन और बिल्डअप ख़त्म हो जाएगा तो आखिरकार क्रिकेटर्स को ही काम करना पड़ेगा। और अगर हम भारत के बल्लेबाजों के बारे में बात करें, तो हाल ही में तो हम उनके बड़े बड़े शतक और दोहरे शतक के बारे में ही बात करें, लेकिन चेतेश्वर पुजारा का नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं। अगर हम पुजारा के हाल ही के फॉर्म को एक नज़र डालें, तो पिछले 10 पारियों में घर के टेस्ट में उन्होंने केवल 40 के औसत से रन बनाए। अभी मैं केवल 40 कह रहा हूँ, लेकिन काफ़ी बल्लेबाज ऐसे होंगे जो 40 के साथ काफी खुश होंगे, लेकिन जिस तरह का रेपुटेशन रहा है चेतेश्वर पुजारा का और जो फॉर्म दिखाते हैं घर पे, खासकर एक भी शतक जो उन्होंने नहीं लगाया है 10 पारियों में, ये उनके लिए जरूर एक पॉइंट ऑफ कंसर्न तो होगा ही। और उसके साथ साथ ईडन गार्डन्स भी एक ऐसा मैदान है जहां चेतेश्वर पुजारा ज्यादा कामयाब नहीं रह चुके हैं। अगर उनका रिकॉर्ड देखें कोलकाता में, तो 30 के अंदर जो उनका औसत है, माना कि ईडन गार्डन्स में एक आध टेस्ट ऐसे हुए जो बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस अच्छे नहीं रहे, लेकिन फिर भी चेतेश्वर पुजारा यही उम्मीद रखेंगे कि इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच में वो एक ऐसे बल्लेबाज बन जाए जो एक ऐतिहासिक बड़ा स्कोर बना ले, एक 100 स्कोर बना ले। उसी के साथ साथ बांग्लादेश भी चाहेंगे कि वो उनके जो दिग्गज बल्लेबाज है वो टेस्ट क्रिकेट में भी वही रंग दिखाए जो वनडे या T20 क्रिकेट में दिखाते हैं। और खासकर महमदुल्ला जो इतने अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं बांग्लादेश के लिए ODI क्रिकेट में भी, T20Is में भी, लेकिन अगर टेस्ट क्रिकेट के बारे में बात करें तो पिछली 5 पारियों में केवल एक ही 50 से ज़्यादा स्कोर रहे उनका। और उसके अलावा अगर उनके टेस्ट करें और ओवरऑल की हम बात करें, आंकड़ों पे एक नज़र डालें, तो 47 मैचों में जो 32 का जो औसत है, जिस तरह की काबिलियत रखते हैं महमदुल्ला, तो ये आंकड़े जो है उनसे मेल नहीं खाता। अब पिंक बॉल टेस्ट मैच है, तो काफ़ी सारी फैक्टर्स ऐसे हैं जो दोनों टीमों को पता नहीं है किस तरह खेलेगी ये पिंक बॉल, जो रोज़ खेले जाएंगे 80 ओवर के बाद, 60 ओवर के बाद, स्पिनर्स का क्या
रोल होगा इस मैच में। तो अगर हम प्लेइंग 11 पे एक नजर डालें, प्रोबेबल प्लेइंग 11, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि यही टीम उतरेंगे। और जो भारत के लिए जो सफल रही है ये टीम, जिसमें बैलेंस भी अच्छा है उनका, जो तीन सीमर है अच्छे फॉर्म में है, अच्छे लय में है, ईशांत शर्मा, उमेश यादव और मोहम्मद शमी, उसी के साथ साथ रविंद्र जडेजा जो एक प्रॉपर ऑलराउंडर को आप मान सकते हैं उन्हें, स्पेशली भारतीय कंडीशंस में अश्विन के साथ साथ, तो अच्छा बैलेंस होगा सीमर्स और स्पिनर्स का भी। और वही दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश की टीम की हम बात करें तो शायद एक दो सिलेक्शन कॉल्स पे मोमिनुल हक सोच रहे होंगे कि क्या अल अमीन हुसैन को खिलाया जाए इबादत हुसैन के बदले, जो पहले टेस्ट में ज़्यादा प्रभावशाली गेंदबाज नहीं थे। और दूसरी तरफ मुस्तफिजुर रहमान अनुभवी खिलाड़ी तो है ही, लेकिन जो रंग वाइट बॉल क्रिकेट में दिखाते हैं वो रेड बॉल क्रिकेट में आज तक उन्हें नहीं दिखाया, लेकिन शायद पिंक बॉल क्रिकेट में वो रंग दिखा पाए। तो अगर मुस्तफिजुर को खिलाना चाहेंगे तो शायद एक स्पिनर कम खेले बांग्लादेश। ड्यू पे एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होगा, जो अगर स्पिनर्स को थोड़ी सी मुसीबत दे दे ये ड्यू, तो उम्मीद है शायद बांग्लादेश एक स्पिनर कम खेल के अपने प्रीमियर स्ट्राइक बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को खेले इस मैच में। जो भी होगा एक मज़ेदार एक रोमांचक मैच देखने को तो मिलेगा ही। ये पिंक बॉल जो एलिमेंट है एक तरह से एक एक्साइटमेंट बन गया है भारतीय टेस्ट क्रिकेट के फैंस के मन में। और इस मैच के बाद खास आंकड़े और जिस तरह खेलेगी और क्या रंग दिखाएगी ये पिंक बॉल, उसी के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा आपके लिए ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।